Hello friends, I am Mr. Bhalerao sir and I welcome to you in my channel that is Learn English with Bhalerao sir. So friends, today we shall learn one of the important grammatical topic, that is use of not only but also. But before that, I request you, don't forget to subscribe my channel. How the questions are asked for using not only but also? The questions may be, rewrite the following sentences by using not only but also. So hum abhi dekhenge ki diye hue sentences mein not only but also ka use kis tarah se kiya jata hai. So first of all, what is the meaning of not only but also, or what is not only but also? Friends, as you know that not only but also is a coordinating conjunction which is used for forming compound sentences. मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, यह हम grammatical as it is rule का follow न करते हुए इनका यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किस तरह से किया जाता है सिंपल वे में, ये मैं आपको बताऊंगा. अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स का बाय हर्ट करके फॉलो करते तो ग्रामर समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है. ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द गिवन सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस अगर दो अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है, इफ द सेंटेंसेस आर गिवन सेपरेटली, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी पॉइंट, वन मोर सेंटेंस आई लाइक कॉफी, और इसमें कहा गया यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड रीराइट दिस सेंटेंस. अब इस एग्जाम्पल में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है, तो क्या करेंगे हम? बहुत आसान है. पहले तो ये दोनों सेंटेंस को, एग्जाम्पल दिया है उसको केयरफुली देखिए. आई लाइक टी, दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस, एंड अनदर वन इज आई लाइक कॉफी. जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे तब हमें यह देखना है कि दोनों सेंटेंस जो सेपरेट है उसको हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके एक कंपाउंड सेंटेंस, जिसे संयुक्त वाक्य सेंटेंस कहा जाता है, ये बनाने वाले हैं. तो क्या करेंगे, जो सेंटेंस अलग अलग, अगर सेंटेंस अलग अलग दिया जाता है जिस तरह से यहां दिया है आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, इसमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड्स नहीं, डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए. यहां आपको क्या दिखाई देगा दोनों सेंटेंस में, विच इज द डिफरेंट वर्ड, टी एंड कॉफी, दीज आर द डिफरेंट, आई लाइक दीज आर द सिमिलर वर्ड. पहले हम इन्हें अंडरलाइन करेंगे. अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किस तरह से करेंगे, जब फर्स्ट सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उससे पहले नॉट ओनली रखेंगे और बट ऑल्सो लिख कर जो नेक्स्ट सेंटेंस में अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है उनको ज्वाइन करेंगे या कनेक्ट करेंगे. तो आंसर किस तरह से होगा, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी. तो यहां आपको क्या समझ में आया है कि अगर दो, इफ दिस टू सेपरेट सेंटेंसेस आर गिवन तो उसमें डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए. और अभी बताया जो पहले नॉट अंडरलाइन किया वर्ड से उसको, उससे पहले पहले सेंटेंस के वर्ड के अंडरलाइन किया वर्ड है उससे पहले नॉट ओनली यूज कीजिए और बट ऑल्सो से नेक्स्ट सेंटेंस का अंडरलाइन वर्ड ज्वाइन कीजिए. ओके, अब ये बात हुई अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है तो, अगर एक ही कंपाउंड सेंटेंस दिया जाता है, सेम सेंटेंस इन कंपाउंड फॉर्म वी कैन सी I like tea and coffee. Okay, this is one of the sentence. One, एक ही sentence है. I like tea and coffee.
जब एंड वर्ड के मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं कंपाउंड में, तब क्या करना है, जहां एंड वर्ड होगा वहां वो रिमूव करके, वो एंड वर्ड निकाल के वहां बटल से यूज करना है। और उससे पहले नॉट ओनली कहां लिखेंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो या वर्ब के बाद, यहां लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद लिखिए, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। सो एक सेंटेंस कंपाउंड कर दिया होता तो एंड की जगह बट ऑल्सो लिखेंगे, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद नॉट ओनली लिखेंगे। अगर ये सेम सेंटेंस जिसमें अल्सो भी दिया जाता है समटाइम्स, जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफी अल्सो, तो यहां कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, अल्सो। अब इसमें अगर हमें नॉट ओनली बटर से यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया है एंड निकाल के बटर से यूज करेंगे, नॉट ओनली इस तरह से बताया लाइक के बाद, लेकिन जो अल्सो यहां भी अल्सो दिया हुआ है और बटर सो में भी अल्सो है, दोनों भी रखेंगे क्या, नहीं, जो अल्सो इसमें एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करेंगे, बिकॉज बट अल्सो में ऑलरेडी अल्सो है। सो इसका आंसर भी क्या होगा, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। मैं आपको यह ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम सेंटेंस डिफरेंट अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है तो किस तरह से नॉट ओनली का बट ऑल्सो का यूज करेंगे, या एक ही कंपाउंड सेंटेंस दिया जाता है उसी में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किस तरह से किया जाता है। नाउ लेट सी वन मोर एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज मैन वर्क इन द फैक्ट्री, दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस। अनादर वन, वुमेन ऑल्सो वर्क इन द फैक्ट्री। इस एग्जाम्पल में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके फिर से इसे लिखना है। सो ये दो अलग अलग सेंटेंस है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इफ टू डिफरेंट सेंटेंसेस आर गिवन, तब हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट सेंटेंस में जो अलग वर्ड है उनको अंडरलाइन करेंगे। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा अलग वर्ड है, राइट, मेन एंड वुमेन। ओके, अल्सो है, अल्सो लिखेंगे क्या, यू आर राइट, नहीं लिखेंगे, बिकॉज बट अल्सो में अल्सो आता ही है, राइट। सो अब यहां क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में मेन शुरुआत में है, बिगिनिंग में है, जैसे जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेंटेंस में जहां अंडरलाइन किया वर्ड है उससे पहले नॉट ओनली लिखना है, ओके, एंड बट ऑल्सो से नेक्स्ट वर्ड कनेक्ट करना है। सो यहां आंसर किस तरह से होगा, नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमेन वर्क इन दी फैक्ट्री। सो इस तरह से हम ना, अब आप देख रहे हैं यहां में मैं आपको कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सेपरेट, ऐसा कुछ नहीं, ग्रामर नहीं बता रहा हूं, एक सिंपल वे में हमें किस तरह से समझ में आएगा, जैसे अंडरलाइन करो, एक ग्रामर का रूल दिया हुआ नहीं है। सो आई होप इस तरह से हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज अलग अलग सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में भी कर सकते हैं। आपके लिए फॉर योर प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जाम्पल, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये नॉट ओनली बट ऑल्सो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मेरे बारे में कुछ आपको सलाह देनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। विश यू गुड डे, थैंक यू वेरी मच।